नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं, 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड की खौफनाक यादें अभी लोगों के जहन से मिटी भी नहीं है कि देश की राजधानी में एक और जघन्य हत्याकांड से लोग दहल उठे हैं। इस मामले में एक शख्स ने अपने लिव इन पार्टनर का कत्ल कर दिया और फिर उसे ठिकाने लगाने की जुगत में लग गया। कार्यक्रम में हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे पर केंद्रित हैं और हमारा पहला सवाल ये रहा आपके सामने। और सवाल है, दिल्ली में श्रद्धा पार्ट 2 जैसा हत्याकांड, यह खूनी कहानी है साहिल गहलोत और उसकी लिव इन पार्टनर निक्की यादव की। इस हत्याकांड की तुलना श्रद्धा मर्डर केस से की जा रही है। साहिल ने कार में निक्की का कत्ल किया और फिर ढाबे के फ्रीजर में लाश को छुपा दिया, लेकिन इससे पहले कि वो लाश को ठिकाने लगा पाता, उसके गुनाहों का पर्दाफाश हो गया। एक प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत, लिव इन पार्टनर का खौफनाक मर्डर, फ्रीजर में रखी प्रेमिका की बॉडी, रात में किया कत्ल, दिन में की शादी। दिल्ली में दोहराया गया श्रद्धा जैसा हत्याकांड। दिल्ली में कुछ दिनों पहले ही जिस तरह से श्रद्धा वॉल्कर की हत्या बेदर्दी से उसके ही लिव इन पार्टनर ने कर दी थी, ठीक उसी तरह से हत्या की एक और सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है। हत्या हुई है निक्की यादव की और हत्या का आरोप है उसके लिव इन पार्टनर साहिल गहलोत पर। निक्की और साहिल एक दूसरे को करीब 5 साल से जानते थे और निक्की साहिल के साथ दिल्ली के द्वारका इलाके में लिव इन में रहती थी। निक्की की आंखों में साहिल के साथ जिंदगी बिताने की उम्मीदें थी, तो साहिल इस रिश्ते को बेमानी साबित करने के लिए बेवफाई की स्क्रिप्ट तैयार किए बैठा था। 9 फरवरी को साहिल निक्की को अंधेरे में रखकर एक दूसरी लड़की के साथ दिन में सगाई करता है और जब निक्की को ये बात पता चलती है और शाम में वो साहिल से इसके बारे में पूछताछ करती है, तो वो उसी मीठी बातों में बरगलाने की कोशिश करता है। जब निक्की उसकी लच्छेदार बातों में नहीं आती है तो फिर वो निक्की का केबल से गला घोंटकर मार देता है। फोन्स में जो भी डाटा है उसको रिकवर करेंगे और जो जहां जहां वो उसको घुमा के लेके गया मर्डर के दौरान, वहां की कोशिश कर रहे हैं अगर सीसीटीवी फुटेज वगैरह मिल जाए। हालांकि रात का समय है तो वो सारे साक्ष्य हम जुटा रहे हैं, लेकिन जो बॉडी हमने टाइमली उसके डिस्पोज होने से पहले रिकवर कर ली, वो बहुत बड़ा काम हो गया है जो उसको फिक्स कर देगा और ट्रायल में हमारी काफी मदद करेगा। इस प्रेम कहानी के धोखे और बेवफाई की दास्तान यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि इसके बाद शुरू होता है आरोपी के शातिर दिमाग का खेल। निक्की के कत्ल के बाद वो निक्की के शव को अपनी गाड़ी में ही रखकर करीब 40 किलोमीटर दूर दिल्ली के नजफगढ़ स्थित अपने गांव मित्राऊं पहुंचता है। यहां वो बेहद शातिराना अंदाज में अपनी प्रेमिका के शव को अपने ढाबे के डीप फ्रीजर में रखता है और बेहद निश्चिंतता के साथ शाम में अपनी शादी में बैंड बाजे के शोर में रात की पूरी घटना को जहन से मिटा देता है। अगले दिन सुबह शादी में चला जाता है बारात लेके 10 तारीख को। अब ये आदमी ढाबे को इसने बंद किया हुआ है, लेकिन इसके दिमाग में उधेड़बुन यही है कि किस प्रकार से बॉडी को डिस्पोज हो जाए। साहिल का प्लान था कि शादी के बाद मौका मिलते ही वो निक्की की लाश को ठिकाने लगा लेगा, लेकिन इससे पहले कि वो अपने मकसद में कामयाब होता, पुलिस उस तक पहुंच गई और लाश को बरामद कर लिया गया। जब पुलिस को शक हुआ गहलोत के ऊपर, तो गहलोत से जब पुलिस ने बात की तो यहाँ पर कोई और ले गए। ये गहलोत का ही, ये जो आप देख रहे हैं ढाबा है, हालांकि ये बंद है लेकिन ये उसी का है, और यहाँ पर खुद गहलोत लेकर के आया पुलिस की टीम को। और अब पुलिस ने ये पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए पुलिस की टीम आई है और यहाँ फ्रिज से उसने बॉडी को रिकवर कराया है। अब आगे चूंकि जो फिंगरप्रिंट्स हैं, जो बाकी और एविडेंसेज हैं, उसके लिए पुलिस फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद ले रही है।
पुलिस अब इस सनसनीखेज हत्याकांड की कड़ियों को जोड़ने के लिए सबूतों की तलाश में जुट गई है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। इस हत्याकांड की कहानी न केवल दर्दनाक है बल्कि खौफनाक भी है। साहिल ने कार में केबल से गला घोटकर निक्की की हत्या की। हत्या 9 और 10 फरवरी की दरमियानी रात को की गई। हमारा दूसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, दिल्ली की सड़कों पर 40 किलोमीटर तक शव के साथ घूमता रहा कातिल। अब तक की जांच में पता चला है कि कत्ल कश्मीरी गेट में किया गया और उसके बाद साहिल ने कार में ही डेड बॉडी को रखा और 40 किलोमीटर दूर अपने गांव मित्राओ ले गया। इस दौरान किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी। दिल्ली में एक और सनसनीखेज मर्डर ने फिर सबको चौंका दिया है। इस कहानी में हत्या के शिकार बनी है एक लड़की जो लिव इन पार्टनर के साथ अपने सुनहरे भविष्य के सपने संजो रही थी, लेकिन यहाँ उसे अपने पार्टनर से अच्छी जिंदगी की जगह बेवफाई, धोखा और मौत मिली। निकिता मर्डर में कातिल के साथ साथ राजधानी की पुलिस और उसका पहरा भी सवालों के घेरे में है। दरअसल कश्मीरी गेट पर केबल से निकिता की गला घोंटकर हत्या करने के बाद साहिल दिल्ली की सड़कों पर बेखौफ घूमता रहा था, लेकिन किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी। दिल्ली पुलिस रात में समय समय पर पूरी तरह से गश्ती और चौकसी का दावा करती रहती है, लेकिन निकिता मर्डर केस के दौरान पुलिस का ये दावा धराशायी हो गया। निकिता का मर्डर दिल्ली के कश्मीरी गेट स्थित ISBG के पास 9 और 10 फरवरी की दरमियानी रात में होता है और उसके बाद साहिल अपने बगल की सीट पर ही डेड बॉडी को रखकर दिल्ली में लगभग 40 किलोमीटर का सफर करके नजफगढ़ स्थित अपने गांव मित्राओं पहुंचता है, लेकिन इस दौरान उसे न तो किसी ने रोका और न किसी ने टोका। पुलिस के मुताबिक कश्मीरी गेट के पास साहिल ने निकिता की हत्या की और उसके बाद लाश को ठिकाने लगाने वहां से करीब 40 किलोमीटर दूर मित्राओं गांव तक आसानी से चला भी गया और वो भी दूसरे राज्य गोवा की नंबर प्लेट वाली सफेद रंग की कार। कमाल ये है कि दिल्ली की सड़कों पर रात में इतने लंबे सफर के दौरान उससे कहीं भी पूछताछ तक नहीं की गई। ये जो गाड़ी आप सफेद रंग की देख रहे हैं यही वो वर्ना कार है जो साहिल गहलोत की है। ये गोवा का रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप देखिए। इसी गाड़ी में वो रात में घूम रहा था 9 और 10 की रात और उसके बाद उसने कॉल करके निक्की यादव को बुलाया। निक्की यादव जब पहुंचती है तो इसी गाड़ी में दोनों दिल्ली की सड़कों पर घूमते रहते हैं। 9 तारीख को इसकी सगाई हो गई थी साहिल गहलोत की, लेकिन 10 को शादी थी। जब ये जानकारी निक्की को लगी तो निक्की और साहिल के बीच झगड़ा शुरू हो गया और निक्की लगातार दबाव बना रही थी। ISBT के पास दोनों की मुलाकात इसी कार में हुई। पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच इसी कार में कहासुनी हुई, उसके बाद साहिल ने निक्की का कत्ल कर दिया। अभी तक जो सामने आया है उसके अनुसार हत्या गाड़ी में ही हुई है और उसके बाद हत्या करने के बाद उसी गाड़ी में उसको लाके जो उनके ढाबा था ढाबे में फ्रिज में उस बॉडी को उन्होंने छुपा के रखा। जो लड़की रात में अपने दोस्त की कार में अपने सपनों की दुनिया में खोई हुई थी, सुबह होते होते वो एक लाश में तब्दील होकर एक ढाबे के डीप फ्रीजर में जा पहुंची। साहिल को लग रहा था कि निक्की परिवार से दूर रह रही थी, लिहाजा परिवार वालों को कुछ दिनों तक हत्या की भनक भी नहीं लग पाएगी और जैसे ही उसे मौका मिलेगा वो निक्की की लाश को ठिकाने लगा देगा। घर वालों से वो बहुत दिन से दूर रह रही थी तो घर वाले भी दो चार दिन तक तो पूछ ही नहीं रहते कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उस प्रकार इसका जो साजिश स्थिति थी कि फिर साक्ष्य जुट नहीं पाएंगे और बहुत लंबा काम हो जाएगा, तो उसको हमने प्रिवेंट कर लिया। निक्की के परिवार वालों को भी इस हत्याकांड के बारे में भनक नहीं लग सकी थी। जब निक्की के पिता ने साहिल से अपनी बेटी के बारे में पूछा तो वो उन्हें बरगलाने के लिए झूठ बोलता रहा। इसके पिताजी ने फिर इसको कल मतलब मंडे को खुद ही शाम को पुलिस में पकड़ा दिया। किसके पिता ने? साहिल के पिता ने। अच्छा, मतलब आपने पुलिस से कांटेक्ट नहीं किया था? इसके पिता ने खुद ही उसको वहां पर पकड़ा दिया और कल मेरे को सुबह पता लगा, पुलिस वालों का फोन आया मेरे पास, तुम्हारी लड़की तो एक्सपायर हो चुकी है और इस ऐसे ऐसे लड़के ने एक्सपायर कर दी और इसको हमने पकड़ा हुआ है, आ जाओ आप यहाँ पे। अच्छा, तो मतलब आपने क्राइम ब्रांच को कांटेक्ट नहीं किया था? मैंने नहीं किया। अब जब इस हत्याकांड का खुलासा हो गया है तो निक्की के परिवार वाले साहिल के लिए फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं।
क्या कार्रवाई क्या चाहते हैं आप इस लड़के के खिलाफ, क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई ये कानून बताओ जो कानून है देश की जी, तो अम्बेडकर की जो कानून है बनाई है अम्बेडकर ने, उस कानून में जो फैसला वो फैसला होगा, अगर नहीं होगा तो हम अपने हाथ से फैसला करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी आप चाह रहे हैं कि पुलिस पूरी कार्रवाई करे, कोर्ट, अभी आप कोर्ट में जाएंगे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे सबसे पहले। बढ़िया खस के वो खस के। अब दिल्ली पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि कहीं साहिल का प्लान श्रद्धा पार्ट टू करने का तो नहीं था। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। जांच में साहिल की बेरहमी को उजागर करने वाली एक और बात सामने आई है। निक्की की हत्या के बाद वो गाजे बाजे के साथ शादी करने पहुंच जाता है। साहिल की प्लानिंग शादी के बाद शव को ठिकाने लगाने की थी। हमारा तीसरा सवाल ये रहा आपके सामने, और सवाल है निक्की के शव को ठिकाने लगाने के लिए क्या साजिशें रच रहा था साहिल। पुलिस के मुताबिक वो पूरी प्लानिंग के साथ शव को सूटकेस में रखकर दूसरे राज्य में छोड़ना चाहता था। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा। 9 फरवरी की सगाई, 9 और 10 फरवरी की रात कत्ल, फिर 10 फरवरी की शादी के बाद आगे क्या करने वाला था साहिल, ये जानने की दिल्ली पुलिस कोशिश कर रही है। क्योंकि कत्ल करने के बाद साहिल बॉडी लेकर के अपने ढाबे पर पहुंचा, उस ढाबे पर जो ढाबा पिछले काफी वक्त से बंद है, वहां उसे पता था कि फ्रिज है जो काम कर रहा है, और उसने बॉडी को फ्रिज के अंदर रख दिया और फिर वो अपने घर पहुंच गया। वहां पर वो शादी के इंतजाम में जुट गया। 10 तारीख को शादी भी हुई, किसी को भनक तक नहीं लगने दी कि उसने अपनी उस दोस्त की हत्या कर दी है जिसके साथ वो पिछले 5 सालों से था। इसके बाद दिल्ली पुलिस को जब जानकारी मिली तो दिल्ली पुलिस ने साहिल को पकड़ने से पहले उन तमाम सीसीटीवी फुटेज को इकट्ठा किया, टेक्निकल एविडेंसेस जुटाए, जिसके जरिए ये पता लग सका कि साहिल और निकी एक साथ एक टावर के एक लोकेशन में थे। जब ये सारी जानकारी दिल्ली पुलिस ने इकट्ठा कर ली क्राइम ब्रांच ने, उसके बाद पुलिस की टीम साहिल के पास पहुंची और साहिल को पुलिस ने हिरासत में लिया। और फिर साहिल से पुलिस ने जब पूछताछ की तो साहिल ने सारा सच बता दिया, और खुद साहिल पुलिस को लेकर के उस अपने ढाबे पहुंचा जहां पर उसने बॉडी को छिपा रखा था। अब पुलिस ये पूछताछ कर रही है कि आखिर आगे साहिल क्या करने वाला था। साहिल और निक्की की पहचान 5 साल पुरानी थी और वो पिछले कुछ सालों से लिव इन रिलेशनशिप में थे। निक्की के घर वाले भी साहिल को जानते थे। निक्की से बात न हो पाने के बाद निक्की के घर वालों ने उसके बारे में साहिल से पूछा, लेकिन साहिल ने उन्हें गुमराह कर दिया। हमारा चौथा सवाल ये रहा आपके सामने, और हमारा सवाल है साहिल ने निक्की के परिवार वालों को कैसे गुमराह किया। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता अरविंद ओझा। निक्की गुमशुदा थी, लिहाजा परिवार वालों को चिंता हुई। वो चिंता और तब बढ़ गई जब निक्की का मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया। लिहाजा जैसे तैसे करके साहिल का मोबाइल नंबर निक्की के पिता को मिला। निक्की के पिता ने साहिल को फोन लगाकर पूछा कि उनकी बेटी कहाँ है, जिस पर साहिल लगातार निक्की के पिता को गुमराह कर रहा था। वो कह रहा था कि निक्की मसूरी चली गई है, देहरादून अपने दोस्तों के साथ चली गई है, अपना मोबाइल फोन उसने साहिल के पास ही छोड़ दिया है। और कुछ इस तरीके से हत्याकांड के बाद साहिल न सिर्फ पुलिस को बल्कि निक्की के पिता को भी लगातार गुमराह कर रहा था, लेकिन आखिरकार क्राइम ब्रांच ने इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया। इस मामले की कड़ियों को जोड़ने के लिए पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। साहिल का गुनाह साबित करने के लिए सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं, सुरागों को जोड़ा जा रहा है। नजर हमारे पांचवें सवाल पर, और हमारा सवाल है दिल्ली में हुए कत्ल का क्या है हरियाणा और गोवा कनेक्शन। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा। क्राइम ब्रांच की जांच में एक और एंगल है, इस पूरी कहानी का गोवा कनेक्शन क्या है, क्योंकि जिस कार में निक्की का कत्ल किया गया वो गोवा रजिस्ट्रेशन का नंबर है उसके। इसके अलावा निक्की ने कत्ल से एक दिन पहले गोवा का टिकट भी बुक कराया था, तो आखिर गोवा का कनेक्शन क्या है ये जानना चाहती है दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच। और इसके लिए दिल्ली पुलिस लगातार साहिल से पूछताछ तो कर ही रही है, इसके अलावा निक्की के दोस्तों से भी पुलिस समझने की कोशिश कर रही है, उनके भी स्टेटमेंट पुलिस रिकॉर्ड करेगी ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर ये गाड़ी गोवा से कब ये लेकर के आए थे और इस पूरी कहानी का गोवा कनेक्शन क्या है। साहिल और निक्की की पहचान कोचिंग जाने के दौरान हुई। साहिल एसएससी की तैयारी कर रहा था तो निक्की मेडिकल की।
इस दौरान दोनों की दोस्ती परवान चढ़ी और दोस्ती नजदीकियों में बदल गई, फिर दोनों लेवल में रहने लगे। हमारा छठा सवाल अब आपके सामने है और सवाल है, निक्की और साहिल की लव स्टोरी मर्डर तक कैसे पहुंची? साहिल और निक्की 2018 से एक साथ दिल्ली में रह रहे थे। दोनों के बीच अनबन तब हुई जब निक्की को दूसरी लड़की के साथ साहिल की शादी के बारे में पता चला। जब निक्की साहिल की लच्छेदार बातों में नहीं आई तो उसने निक्की का कत्ल कर दिया। दोस्ती, प्यार और लिविंग के नाम पर दिल्ली में मर्डर का कनेक्शन पुराना है। पहले श्रद्धा मोहब्बत के खातिर टुकड़ों में तब्दील हो गई और अब निक्की यादव जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाती थी, उसी साहिल निक्की से उसकी सांसें छीन ली। निक्की भी शायद इस बात से अनजान थी कि 5 सालों की दोस्ती पल भर में मौत की आगोश में समा जाएगी। निक्की यादव हरियाणा के झज्जर की रहने वाली थी जबकि साहिल गहलोत नजफगढ़ के मित्राओ गांव का है। निक्की और साहिल की दोस्ती 2018 में शुरू हुई। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी जिसके बाद निक्की और साहिल लिव इन में रहने लगे। दिल्ली के उत्तम नगर में साहिल ने SSC की तैयारी के लिए एक कोचिंग में दाखिला लिया। साहिल के कोचिंग के पास ही निक्की भी मेडिकल की तैयारी के लिए दूसरी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रही थी। दोनों एक ही बस में सफर किया करते थे और इसी दौरान दोनों की दोस्ती हो गई। कोचिंग क्लास से पहले और बाद में दोनों की मुलाकातें होने लगी। इसके बाद फरवरी 2018 में साहिल ने ग्रेटर नोएडा के एक कॉलेज में डी फार्मा में दाखिला लिया और उसी कॉलेज में निक्की ने BA इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन लिया। उसके बाद दोनों ग्रेटर नोएडा में किराए के एक फ्लैट में साथ साथ रहने लगे। निक्की और साहिल की पहली मुलाकात कॉलेज में हुई। पढ़ाई के दौरान दोनों में प्यार हुआ और साल 2018 के बाद दोनों लिविंग में रहने लगे। उसके बाद प्यार बढ़ता चला गया और अचानक एक दिन निक्की को ये पता चलता है कि साहिल की शादी हो रही है। शादी 10 फरवरी को हो रही है। इसके बाद दोनों में कहासुनी होने लगी। करीब 5 साल तक सब कुछ ठीक चलता रहा लेकिन साहिल के घर वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी और इस बात की भनक साहिल ने दूर दूर तक निक्की को नहीं लगने। साहिल ने प्लान बनाया और 9 फरवरी को जिस दिन साहिल की इंगेजमेंट थी उसी दिन निक्की को उसके घर के बाहर बुलाता है, वरना कार में बिठाता है, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में घुमाता है और उसके बाद ISBT के पास निक्की की गला दबाकर हत्या कर देता है। उसके बाद 40 किलोमीटर गाड़ी दौड़ाकर द्वारका के मित्राऊ गांव पहुंचता है और वहां पर ढाबे के एक फ्रिज में उसकी लाश को छुपा देता है। निक्की को जैसे ही साहिल की शादी की बात पता चली, निक्की ने साहिल पर उससे शादी करने का दबाव बनाया और इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। शायद यहीं से साहिल ने निक्की को मारने का खौफनाक प्लान तैयार करना शुरू कर दिया। 9 फरवरी को साहिल ने निक्की को फोन किया और साहिल ने निक्की को घूमने के बहाने बुलाया। साहिल और निक्की सफेद रंग की वर्ना कार में निकले। दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि साहिल ने निक्की यादव की गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर राजधानी की सड़कों पर ये कार घूमती रही। मित्राओ गांव में साहिल ने निक्की के शव को फ्रिज में छिपा दिया। आरोपी साहिल गहलोत की 9 फरवरी को मंगनी और 10 फरवरी को शादी थी लेकिन ये बात निक्की को खटक रही थी। यहाँ तक कि निक्की ने साहिल की शिकायत पुलिस में भी करने की बात कह दी थी जिसके बाद साहिल ने रास्ते से हटाने के लिए निक्की की गला घोंटकर हत्या कर डाली। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। साहिल पुलिस की गिरफ्त में है। द्वारका कोर्ट में पेशी के बाद उसे 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। डेड बॉडी बरामद हो चुकी है। गुनाह को साबित करने के लिए पुलिस सबूतों और गवाहों की तलाश में है। हमारा 7वां और आखिरी सवाल ये रहा आपके सामने और हमारा सवाल है, निक्की मर्डर मामले की जांच में अब आगे क्या होगा? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा। निक्की की हत्या करने के बाद साहिल गहलोत ने बेल्ट लगाकर लाश को कुछ इस तरीके से आगे की सीट पर रखा जैसे किसी को शक न हो और तकरीबन 40 किलोमीटर तक वो दिल्ली की सड़क पर लाश के साथ घूमता रहा और उसके बाद वो रात के वक्त मित्राऊ गांव अपने उस ढाबे पर पहुंचा जो पिछले काफी वक्त से बंद है। वहां पर उसने लाश को कार से निकाला और फ्रिज में रख दिया। अब आगे वो क्या करने वाला था इसके लिए लगातार दिल्ली पुलिस
साहिल गहलोत से पूछताछ कर रही है। आज कार्यक्रम में इतना ही।